गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि कल हमारा लेसन था, कल हमने किया था है ना, सिक्स्थ तक हमने सरगम की थी। तो मैंने कल फोर्थ करवाई थी, फिफ्थ सिक्स्थ करवाई थी। आज मैं आपको आगे की सरगम बताऊंगा हारमोनियम पे, तो आपने इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ध्यान बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको वर्क देता हूँ वो आप प्रैक्टिस किया करो। चाहे आप 15 मिनट उसका रियाज करो, पर आपने ज़रूर करना है। ओके, तो मैं आपको आगे की आज सरगम बताऊँगा, ठीक है? आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है? जैसे कल करवाई थी ना, सिक्स्थ तक करवाई थी कल। सारे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा, है ना? ये सिक्स्थ तक होगी ना। आज मैं आपको आगे की करवाऊंगा सेवन्थ। जैसे सिक्स्थ में 6 स्वर कंबाइन होते हैं ना, इसमें सेवन्थ में 7 स्वर कंबाइन हो जाएंगे। 7 स्वरों को सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है बच्चों? सारे सारे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे नी दा पा मा गा रे सा, ठीक है बच्चों? मैं दोबारा समझाऊंगा। 7 स्वर कंबाइन करके बजाना है। जैसे फर्स्ट सा, सेकंड रे, थर्ड फो का, ठीक है? फोर्थ मा हो गया, फिफ्थ पा हो गया, ठीक है? सिक्स्थ धा हो गया, और सेवन्थ नी हो गया। वो ऊपर फिर सा आ जाएगा, सारे गा मा पा धा नी। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, सारे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा। ओके, तो आपने फिर वापसी में भी इसको ऐसे करना है, सा नी दा पा मा गा रे। ओके, सा से उठाना है इसको, सा नी धा पा मा गा रे। ओके, फिर एक स्वर छोड़ देना, नी धा पा मा गा रे सा। ये 7 स्वरों की होगी सरगम। तो जैसे जैसे हम सरगम को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अपना रियाज का टाइम, प्रैक्टिस का टाइम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाया करो, 5-5 मिनट। बिकॉज प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके जो गले में है, जो वो सॉफ्टनेस आएगी, आपका जोर नहीं लगेगा। जब आप रियाज नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कुछ, फिर आप कहते हो कि मेरा गला दुख गया सर, कई बार गाते हुए सर मेरे से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। वो उसका कारण यही है कि आप प्रैक्टिस करते ही नहीं। 15-20 मिनट भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो आपका गला बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपका दर्द भी नहीं होगा गला। और एक और बात, जो मेरे वोकल के स्टूडेंट्स हैं, पानी जो पीते हो बिल्कुल ठंडा नहीं पीना, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो, थोड़ा सा मिक्स करके पियो, वो अच्छा है गले के लिए, खास करके जब रियाज करके आते हो। तो इसके बाद मैं एक और सरगम बताऊंगा आपको, ये आपने ध्यान से सुननी है, ये न्यू वाली है। ये है पहले सा गा रे मा, एक एक स्वर ना छोड़ के करना है, सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा। ओके, फिर से बताऊंगा बच्चों, जैसे सा गा करना रे छोड़ देना है, ठीक है? सा गा रे मा, फिर रे मा करना गा छोड़ देना है, ठीक है? फिर गा पा, फिर मा छोड़ देना है, फिर मा धा, फिर पा छोड़ देना है, ठीक है? फिर पा नी, फिर धा छोड़ देना, फिर धा सा, फिर नी छोड़ देना है। एक एक स्वर को छोड़ते आगे बढ़ते जाना है। वापसी भी इसके ऐसे ही है, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, ठीक है? ओके, मैं सारी बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। सा गा रे मा गा पा मा धा पानी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, ठीक है बच्चों? ये आपको आज 2 न्यू वाली करवाई है सरगम, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और हो सके अपना रियाज का टाइम बढ़ाते जाना है। ओके, थैंक यू।